दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2022 से ई इनवॉइसिंग के रूल्स को अपडेट कर दिया है और नए रूल के अकॉर्डिंग जिसका भी टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है वो भी अब लोग ई इनवॉइस के लिए एलिजिबल हैं। तो जैसा कि आप लोग जैम की प्रोफाइल में देख सकते हैं, ये जो जैम की प्रोफाइल है इस पे 20 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है जिसकी वजह से ये एरर शो कर रहा है। तो आइए देखते हैं हम लोग किस तरीके से जैम पे ई इनवॉइस डिक्लेरेशन को करा जाता है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने जैम अकाउंट को लॉगिन कर लीजिए और प्रोफाइल के सेक्शन में माय कंपनी के अंदर आपको दिख जाएगा यहाँ पर ई इनवॉइस डिक्लेरेशन। यहाँ पर आपको टर्नओवर डालना है, जो भी आपका लास्ट 3 ईयर में सबसे हाईएस्ट टर्नओवर है वो डालना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर जो चेकबॉक्स है वहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करना है और गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वहाँ से ओटीपी आपको लेके यहाँ पर ओटीपी एंटर कर देना है। देन आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। देखिए ओटीपी वेरीफाइड हो चुका है। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनवॉइसिंग जो है वो सक्सेसफुली सेव हो चुकी है और ये टिक हो चुका है एंड प्रोफाइल जो है वो 100% अपडेटेड हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल दिखी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो बनाते रहें आपके लिए।